नमस्कार, मैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय लाइव हिंदुस्तान के ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम लोग 16 सितंबर 2020 की ग्रह स्थिति देखते हैं। मंगल मेष राशि में वक्री होकर के गोचर में है, राहु मिथुन राशि में, शुक्र कर्क राशि में, सिंह राशि में सूर्य और चंद्रमा विराजमान है, कन्या राशि में बुध, धनु राशि में बृहस्पति और केतु, और मकर राशि में शनि वक्री होकर के चल रहा है। ग्रहों की स्थिति मध्यम हो गई, क्योंकि चंद्रमा निर्जीव माना जाएगा आज और कल और अगले 4 दिन तक, शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि तक। लेकिन ये कोई दोष नहीं माना जाएगा, लेकिन आज और कल, आज चंद्रमा सूर्य के साथ हो गए हैं, लेकिन कल अमावस्या माना जाएगा, लेकिन ग्रहों की स्थिति में अमावस्या आज से लग जाएगा। तो थोड़ा सा ठीक ठाक से अपना ध्यान रख करके आगे बढ़ना है। राशिफल देखते हैं। मेष राशि की शारीरिक और मानसिक स्थिति दोनों ही ठीक नहीं दिख रही, क्योंकि पंचम भाव में अमावस्या योग बनने लगा, लग्नेश वक्री है, भाग्यश आपके ठीक चल रहे हैं, भाग्य बस कुछ चीजें आपके पक्ष में जरूर रहेंगी, बट आपको बड़े ध्यान से चलना पड़ेगा इन दिनों। भावुकता में बह के कोई निर्णय नहीं लेना है, बहुत ध्यान से चलिए। सूर्य को जल देते हैं। वृषभ राशि, घर में थोड़ी सी स्थिति लो रहेगी, एनर्जी कम रहेगी, माँ के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम हो सकती है, भूम भवन वाहन की खरीदारी में खलल पड़ सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य ठीक है, प्रेम भी ठीक है, लेकिन घरेलू सुख बाधित दिखाई दे रहा है। ताम्रपात्र, किसी भी तरह का ताम्रपात्र दान करें। मिथुन राशि, पराक्रम रंग लाएगा, लेकिन भाई बहन या मित्र के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़े परेशान रहेंगे। व्यवसायिक दृष्टिकोण से आप ठीक चल रहे हैं, स्वास्थ्य भी ठीक है, लेकिन थोड़ी परेशानी, इमोशनल थोड़ी परेशानी आपके साथ रहेगी। सूर्य को जल दें। कर्क राशि की स्थिति, धन की स्थिति थोड़ी गड़बड़ रहेगी, कुटुंबों में थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, और वाणी से कुछ तकलीफ वाली बातें निकल सकती है, इन सारी बातों पे ध्यान देंगे। स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी नहीं दिख रही, क्योंकि आपका लग्नेश निर्जीव की स्थिति में है। पहले से ही मंगल के वक्री होने के नाते प्रेम और व्यापार भी ठीक नहीं चल रहा है, तो बहुत सजगता के साथ काम करिए, लाल वस्तु पास रखिए और बजरंग बली का आसमान करिए। सिंह राशि, स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम बना रहेगा, क्योंकि आपके लग्न में अमावस्या बन रहा है। प्रेम की स्थिति और निर्णय लेने की स्थिति, संतान की स्थिति, ये सारी चीजें ठीक है, बट स्वास्थ्य पे ध्यान रखिए। सूर्य को जल देते हैं। कन्या राशि, सूर्य और चंद्रमा दोनों ही द्वादश भाव में है, सरकारी तंत्र से और आर्थिक मामले में थोड़ी सी परेशानी रहेगी आपको, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, प्रेम की स्थिति धीरे धीरे अच्छी हो रही है। ताम्रपात्र दान करें। तुला राशि, मन परेशान रहेगा, लेकिन आर्थिक स्थिति चलती रहेगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, प्रेम की स्थिति मध्यम बनी रहेगी। शनिदेव की आराधना करें और सफेद वस्तु का दान करें। वृश्चिक राशि, शासन सत्ता पक्ष का सहयोग मिलेगा, लेकिन सीने में विकार संभव है, बचाव पक्ष कमजोर है, प्रेम की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। सूर्य को जल देते हैं। धनु राशि, परेशानियों से थोड़े से उभरे हैं, चंद्रमा के नवम भाव में आने से परिस्थितियां थोड़ी अनुकूल हुई है, थोड़ा सा बेटर जरूर होगा आपके लिए स्वास्थ्य और व्यवसाय के मामले में, प्रेम की स्थिति अभी बहुत अच्छी नहीं है। विष्णु जी की आराधना करें।
मकर राशि, चोट चपेट लग सकता है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं, बचाव पक्ष भी कमजोर है, व्यापार ठीक है लेकिन प्रेम भी ठीक है, बट स्वास्थ्य की स्थिति थोड़ी और खराब हुई है, थोड़ा बच के पार करें, शनिदेव की आराधना करें। कुंभ राशि, जीवन साथी का सानिध्य मिलेगा, रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे, स्वास्थ्य मध्यम है, प्रेम और व्यापार आपका ठीक चल रहा है। गणेश जी की आराधना करें। मीन राशि, स्वास्थ्य ठीक है, विरोधी परास्त होंगे, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, प्रेम की स्थिति थोड़ी सी अनबन हो सकती है। सूर्य को जल देते रहें। नमस्कार।